अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आप सभी को बता दें कि पश्चिम सिक्किम के नया बाजार थाना क्षेत्र के बैगुनी बीएसी के ऊपर जंगल में महिला का शव बरामद हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और नया बाजार पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना सोरेंग जिले के बैगुनी इलाके में पिपली के पास हुई। हेमचंद्र रॉय को पुलिस ने अपनी 47 वर्षीय पत्नी मीरा रॉय की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। मीरा मूल रूप से दार्जिलिंग की नेगी बस्ती की रहने वाली थी, लेकिन वर्तमान में बैगुनी में रह रही थी। खबरों के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हेमचंद्र को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ नया बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया। सोरेंग जिले के पुलिस अधीक्षक नकुल प्रधान के मुताबिक आरोपी हेमचंद्र रॉय अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने गहन तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार किया। हालांकि उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, यह गहन पूछताछ के दौरान पता चल पाएगा। हेमचंद्र फिलहाल नया बाजार थाने में हिरासत में है और शुक्रवार यानी कि आज उसे कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड के लिए आवेदन किया जाएगा।